जनपद में अभी मौसम विभाग के अनुसार दो दिनों तक बारिश होगी, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त व 26 अगस्त को बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद ही मानसून क्लियर होगा, लेकिन अभी जनपद में कहीं तेज व कहीं हल्की बारिश होगी। उन्होंने बताया कि अभी तक कहीं से भी कोई घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल सूचना, जिससे राज्य आपदा मोचन निधि के तहत सहायता प्रदान किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार आज 25 अगस्त को और 26 अगस्त को जनपद में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, और यह संभावित है कि इसके बाद मानसून थोड़ा क्लियर हो, बारिश ना हो। लेकिन अभी जो आज और कल तक की जो अपडेट सूचना है उसके अनुसार अभी जनपद में बारिश होगी, कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। नहीं, अभी तक तो कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन सभी तहसीलों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि अगर किसी भी जगह पे अतिवृष्टि या भारी बारिश के कारण कहीं कोई क्षति हुई है तो उसकी तत्काल सूचना दे, और राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार जो भी अनुमन्य अनुग्रह व अहेतुक सहायताएँ हैं वो उपलब्ध कराई जाए।